हाय, मैं डॉक्टर सादिक खान। अक्सर लोग और मेरे पेशेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस का इलाज आयुर्वेदा से हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब मैं अपने ही एक पेशेंट की कहानी से देना चाहूंगा। ये कहानी है एक 32 साल की टीचर की, जो अहमदाबाद के नजदीक एक गांव में रहा करती थी। सन 2019 में उन्हें पता चला कि 30 साल की उम्र में ही उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों तकलीफें हैं, जिसके लिए उन्होंने दवा शुरू की। दवा लेने के बावजूद ये दोनों तकलीफें पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थी, और 2020 में के हार्ट में एक ब्लॉक है और उसका उन्हें तुरंत एंजियोप्लास्टी करवा लेनी चाहिए। पर कम उम्र थी, घर वाले भी नहीं चाहते थे कि उन्हें इतनी कम उम्र में सर्जरी करवानी पड़े, इसीलिए उन्होंने और कई कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें जवाब यही मिला कि उन्हें एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे, इसलिए वहां से उन्होंने डिस्चार्ज लिया और वो दूसरा कोई रास्ता ढूंढते रहे जिसमें बिना सर्जरी के उन्हें ये ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। इस तलाश में वो पहुंच गए माधवबाग के वस्त्रापुर क्लिनिक अहमदाबाद में। वहां पर उन्होंने 15 मार्च 2020 में पहली बार जब वो आए तो उनका बराबर से चेकअप किया गया, उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट शुरू की गई और आने वाले 3 महीने माधवबाग की ब्लॉकेज रिवर्सल थेरेपी, जिसमें पंचकर्म डाइट किट और अपने जीवन शैली में जो बदलाव लाने हैं, इसके बारे में उन्हें वहां के डॉक्टर डॉक्टर जीनल मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया। और इस गाइडेंस का नतीजा जो था वो इतना बढ़िया आया कि अगस्त 2020 में वो डायबिटीज से फ्री हो चुके थे, उनका जीटीटी नेगेटिव आ चुका था। और अगस्त 2020 में ही हमने उनका एक सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किया, जिसमें ये क्लियरली लिखकर आ गया कि उन्हें कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। इतना ही नहीं, क्लिनिक में उनकी ट्रेडमिल टेस्ट की गई थी, उस ट्रेडमिल टेस्ट में भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट उनकी आई। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझने की ये जरूर है कि 2020 के बाद आगे चल करके ट्रीटमेंट बंद हो जाने के 2-3 साल बाद भी पेशेंट बहुत बढ़िया तरीके से और हेल्दी था। उसके बावजूद कुछ लोगों के कहने पे मन में उनके कुछ जो डाउट्स था, उसके चलते उन्होंने 2023 में चेक करने के लिए एक बार फिर से एंजियोग्राफी की। और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 3 साल बाद भी उनकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट इतनी साफ थी कि डॉक्टर ने सामने से कहा, आपको कोई भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो ये बढ़िया रिजल्ट आने का कारण जो माधवबाग की थेरेपी है, इस थेरेपी ने आज तक कई लाख लोगों को एंजियोप्लास्टी बाईपास जैसी सर्जरी से बचाया है। ये जो केस था, इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर मैंने रखे। जैसे कि इस पीरियड में जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, शुरू में उनका वजन 80 किलो के आसपास था, वो उन्होंने तकरीबन 13 से 14 किलो कम किया। और उसी के साथ साथ उनकी VO2 मैक्स ट्रेडमिल की कैपेसिटी जो 3.18 पे थी, वो 32 पे गई। उसके बावजूद भी ECG में कोई चेंजेस नहीं थे, ब्लॉकेजेस कम हुए, HbA1c 9.6 का 5.4 हुआ, और ये सारी बीमारियों के लिए वो जो भी दवाइयां ले रहे थे वो सब बंद हो गई। इसके बाद ये आने वाले 3 साल में थोड़ा बहुत उन्होंने डाइट वगैरह में जो गड़बड़ की थी, उससे उन्होंने धीरे धीरे 3 साल में 8-9 किलो वजन फिर से बढ़ा लिया, जिसकी वजह से डेफिनेटली कुछ तकलीफें उन्हें झेलनी पड़ी होगी। बट यहाँ पर यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उनकी डायबिटीज फिर भी पूरी तरह से कंट्रोल में थी और ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम भी उनकी बहुत कुछ बदली नहीं थी, वो अभी भी हेल्दी थे। पर ये चीज को आगे चल करके मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना वजन और ये सारी चीजों को मेंटेन करने की सलाह जरूर डॉक्टर ने दी। तो इस तरीके से यहाँ पे वह एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स के मैंने यहाँ पर फोटोज भी डाले हैं, तो आप फोटोज देख करके कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैंने कहा वो बात पूरी तरह से सच है। और ये कहीं ना कहीं जो कहानी है, इसमें बहुत मुझे लगता है कि आप जिसके भी मन में ये सवाल होगा, वो उसका जवाब मिल गया होगा कि आयुर्वेद की मदद से हम ब्लॉकेजेस का इलाज सक्सेसफुली कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी बाईपास जैसी सर्जरी से हम बच सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ है या फिर डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी जीवन शैली से होने वाली बीमारी है और उसका आप उससे अगर आप आजादी चाहते हैं, तो आप आकर के जरूर माधोबाग के क्लिनिक में मिलिए। और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वस्त्रापुर जजेस बंगलो पर प्रैक्टिस करने वाले हमारे डॉक्टर चिनल मैडम से आप आकर मिलिए और अपनी इस परेशानी का हल करवा लीजिए।